हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषु के टिप्स। दोस्तों, आजकल चारों तरफ कोविड पेंडेमिक का एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम सब डरे हुए हैं। इसका सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक है और हम हर जगह सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर हर जगह देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसकी कमी से लोग मर रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे हैं, दवा नहीं मिल रही है। आज मेरा वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनको स्टार्टिंग में थोड़ी सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, थोड़ा सा उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, लेकिन इतने स्टार्टिंग फेज में हमें हॉस्पिटलाइज होने की या बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगी, मोस्टली जैसे डॉक्टर भी प्रेफर कर रहे हैं, घर पे रह के हम इसको किस तरह से करके और अपना ऑक्सीजन लेवल को हम मेंटेन कर सकते हैं। आज मैं आपको इस प्रोसीजर को बहुत ही डिटेल में बताऊंगी, साथ में इसको करते समय हम गलती क्या करते हैं या किन बातों का हमें पता नहीं होता उसको भी मैं जरूर से शेयर करूंगी। इस प्रोसेस से आपका लंग्स अच्छे से फंक्शन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रहेगा, लंग्स की कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी, लंग्स ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन खींचने में मदद करेगा। तो आज अपना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सारे सोशल मीडिया पे जितना शेयर कर सकते हैं आप इसे ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक तरह से हेल्प होगी उन सभी के लिए जो इस प्रॉब्लम को इस समय फेस कर रहे हैं। जिस टेक्निक की बात अभी आपसे कर रही थी, इसे कहते हैं अवेक प्रोनिंग। टेक्निक को अब डॉक्टर भी शेयर कर रहे हैं कि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अगर आपकी एकदम स्टार्टिंग में आपकी जो कंडीशन है वो अगर खराब है तो। ज्यादा सीरियस कंडीशन में आप इसे यूज नहीं करेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग के कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल है। इस कंडीशन में पेशेंट को अपने पेट के बल लेटना है और अपने नीचे उसे 3 से 4 तकिया रखना है, पर तकिए का जो पोजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो तकिया रखना है वो आपको अपने गले और चेस्ट के नीचे रखना है। सिंगल तकिया यहाँ पे होगा, डबल तकिया नहीं होगा, ये आपका फर्स्ट तकिया आपके गले और चेस्ट के बीच में होगा। सेकंड आपका 2 तकिया होगा, 2 से 3 तकिया, वो आपके कमर के नीचे होगा, ना कि पेट के हिस्से में। इसमें आपका पेट बिल्कुल भी दबना नहीं चाहिए। मींस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी सेकंड तकिया रहेगी वो पेट के नीचे नहीं बल्कि कमर के हिस्से के नीचे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे चेस्ट जैसे ही खत्म होता है और स्टमक हमारा स्टार्ट होता है, पेट स्टार्ट होता है, तो बीच में होता है डायफ्राम। डायफ्राम हमारे पूरे रेस्पिरेशन के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पेट हमारा दबेगा इसका मींस कि डायफ्राम को पूरी जगह नहीं मिल रही है कि जितनी भी हम सांस अंदर ले रहे हैं वो पूरा उसको स्ट्रेच आउट कर सके। तो यहाँ पे हमें पेट के नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल भी दबने नहीं देना, जिससे कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम पूरी अच्छे से एक्सपैंड हो सके, ऑक्सीजन लेवल को वो पूरी बॉडी में अच्छे से सप्लाई कर सके, लंग्स तक पहुंचा सके, जिससे कि धीरे धीरे पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो। थर्ड तकिया की जो बात है, थर्ड तकिया आपके पैर के पंजों के नीचे रहेगा। सो फर्स्ट तकिया हमारा चेस्ट और गले के बीच में रहेगा, सेकंड तकिया हमारा कमर के हिस्से में रहेगा और थर्ड तकिया हमारा पंजों के नीचे रहेगा। इस पोजीशन में पेशेंट को करीब 1.5 से 2 घंटे एकदम रिलैक्स होकर के लेटना है और डीप ब्रीदिंग सिस्टम को फॉलो करना है। 1 से 1.5 घंटा जब बीतेगा तो फर्स्ट आपको अपने राइट हैंड साइड के करवट लेना है, तकियों को सारा रिमूव कर देना है। राइट हैंड की तरफ आप करवट लेके आराम से लेटिए और बहुत रिलैक्स होके करीब 1.5 से 2 घंटे आपको इस पोजीशन में मींस दाहिने तरफ करवट करके आपको लेटना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा करीब 1.5 से 1 घंटे आपको उठ के बैठना है पीछे किसी 2 तकिए का सहारा लेके। उसके बाद फिर से आपको लेफ्ट करवट करके लेटना है बिना किसी तकिए के और करीब वो भी करीब 1.5 से 2 घंटे। पूरे प्रोसेस में 3 से 4 घंटा पूरा लगेगा, लेकिन इसके बाद डॉक्टर भी इसको सजेस्ट कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको करने से हर एक पेशेंट का कम से कम 8 से 10% ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा रिकमेंडेड तरीका है डॉक्टर्स का। आई होप कि ये काफ़ी लोगों को फायदा करेगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो ज़रूरतमंद है उन तक ये चीज़ पहुंच सके। आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऐसी और सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।